तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से अभिषेक यात्रा चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं प्यासी मछली। तो ये रहा हमारा हरा मसाला और ये रही प्यासी मछली। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसे अच्छी तरह धोकर रखा गया है। अब इसे बनाने की बारी है। ये रहा हमने पतीला चढ़ा दिया दोस्तों। अब इसमें डालेंगे हम तेल। तेल आ चुका है, अब इसे थोड़ा हम लाल होने देंगे। जितना हीट होगा तेल, उतना ही मछली अच्छी तरह से फ्राई होगी और टूटेगी नहीं। अगर तेल हीट नहीं होगा दोस्तों, आप पहले ही डाल देंगे तो मछली टूट जाएगी। तो ये रहा हमारा गिलास, इसी में हम गरम मसाला को खोलेंगे। अभी हमारा तेल गर्म हो रहा है, तब तक हम मसाला हरा खोल लेते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं हमारी मछली फ्राई हो चुकी है एक बार। आप देख सकते हैं कितना, एक भी मछली टूटी नहीं है। और ये हमारा हरा मसाला भी तैयार है। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, क्योंकि इसमें दोस्तों मसाला डालना था इसीलिए। तो ये हमारा मसाला हो गया, धनिया पाउडर और हल्दी, ये राजेश मसाला, ये दोस्तों धनिया पाउडर, और ये रहा हमारा अदरक पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट।
हमने मिक्स कर लिया। इधर हमने मछली हमारी फ्राई होके प्याज का तड़का लग गया है दोस्तों। पहले तड़का लगाइए, ये हमारा प्याज गर्म होगा, लाल हो जाएगा, फिर हम हरा मसाला डालेंगे। तो दोस्तों हमारा प्याज लाल हो चुका है और मसाला भी तैयार है। अब हम हरा मसाला डाल दिए हैं, अब इसे हम अच्छी तरह पकाएंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा नमक, हम मसाले के साथ नमक भी डालेंगे ताकि मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो जाए नमक और प्याज को गला देगा। ये आपका रसा गाढ़ा होगा और एक नंबर का होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा मसाला पक रहा है और इसे हम ढक देते हैं। अब दोस्तों हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, डाल दिए हैं यहाँ थोड़ा सा पानी। तो दोस्तों इसमें हमने 200 ग्राम से कम ही थोड़ा पानी डाला है। अब इसे हम मछली डाल रहे हैं। अब मछली डालने के बाद से हम पकाएंगे। मछली हम इसलिए पहले डाल रहे हैं दोस्तों, बहुत लोग पानी मसाला सब पक जाता है फिर मछली डालते हैं तो उसका मज़ा अलग होता है। ये मछली डालकर आप पकाएं ताकि इसमें जो हमने नमक पहले से ही डाला है मसाले के साथ मिक्स होकर मछली के अंदर घुसेगा तो अलग टेस्ट होगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें। अभी देख सकते हैं दोस्तों उबाल मार रहा है हमारा मछली। तो दोस्तों ये हमारा धनिया है, हरी धनिया, इसे ऊपर से हम डालेंगे क्योंकि हमारी मछली पक चुकी है। अब हम गैस बंद कर दिए हैं।
तो दोस्तों हमारी मछली तैयार है, अब हम इसे टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं मछली एक नंबर तैयार हो चुकी है।